अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम थ्री बवाल। और आज हम आए हैं इब्राहिम भाई के सेटअप पर जो गोरेगांव में है। तो आइए उनसे डिटेल लेते हैं इन बकरों की, जो इनके कुछ शौक के बकरे हैं और कुछ ट्रेडिंग के। तो वो वीडियो में नहीं आएंगे, वो बैक साइड है कैमरे के, तो सिर्फ आप लोगों को उनकी आवाज़ सुनाई में देंगी। तो डिटेल लेते हैं हम लोग बकरों की। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई। वालेकुम सलाम। तो इब्राहिम भाई, पहले हम लोग कहाँ से शुरुआत करते हैं? बरबरे से शुरुआत करते हैं। बाहर काफ़ी धूप है तो हम लोग अंदर ही बना रहे हैं वीडियो। क्या डिटेल पे होगा ये? छह दांत पे है ये। और इसके दांत वेट? इसका वेट होएगा 40 के आसपास होगा। 40 केजी होगा ना बकरा? अच्छा गोल है माशाल्लाह। दांत दिखा दूं? दांत चलेगा जी। कंफर्म 6 पे ही है ना? हाँ 6 पे। ठीक है। और ये वाला? ये 4 पे। ये 4 दांत पे। प्राइस आप वीडियो में बताएंगे, कॉल पे बताएंगे? बता देंगे ना। दोनों अगर कोई साथ में लेगा हाँ तो 32 पे दे देंगे। अगर ये दो बरबरे आप साथ में लेते हो तो बहुत ही अच्छे प्राइस में, मैं तो बोलूँगा 32 में। इनके हथियार वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, शॉर्ट साइज में हथियार, लेकिन उनके प्राइस भी अच्छे ही है वो हिसाब से 32 ना। ठीक है। नेक्स्ट अपना एक कोटा है ना, क्या वेट पर रहेगा ये? ये 90 के करीब होगा। 90 केजी? हाँ। और काफ़ी बड़े फ्रेम में माशाल्लाह। फ्रेम में वाइट कलर है, फुल आँख पे थोड़ा कजला जैसा कलर है ना। क्या दांत पे? ये पूरे दांत पे। पूरे दांत पे। हाइट कितनी होगी इसकी, कुछ आइडिया है आपको? हाइट होगी मेरे ख्याल से 39 होगी। नापे आपने? नहीं नापा नहीं, 39 होगी। 39 हाइट होगी ना, लग ही रहा है ऐसे तो देख के। लेकिन अगर किसको चीरेगा तो आप दे देना वीडियो। इसका क्या कोट कर रहे हैं? इसका 45। इसका 45। प्राइस रीजनेबल ही है इनके पास। और गर्म है काफ़ी थोड़ा। ठीक है, दूसरा बकरा देखते हैं। ये कौन सा? देसी है क्या? ये देसी, देसी। ये भी सेल के लिए? ये भी सेल के लिए। क्या मांग रहे हैं इसका? इसका 12,000 मांग रहा है। अदन है? अदन थे। वेट? वेट होगा इसका कम से कम 35 के करीब होगा। किसी को भी वो नियाज सत्के के लिए चीरेगा तो वैसे अच्छा है बकरा वैसे। 12,000 रुपये ना। और ये भी दूसरा कोटा है ना? ये दूसरा कोटा। इसका क्या कोट कर रहे हैं आप? इसका 35 कर रहे हैं। 35। क्या वेट पे ये 75 के? 70 केजी। 75 ना? 75। ये भी गर्म है ना लगता है। हम लोग वीडियो बना इसलिए नहीं पा रहे प्रॉपर, क्योंकि इधर पे थोड़ा कंजेस्टेड है और बाहर नहीं निकल सकते, धूप काफ़ी है, बकरे भी हाफ है। ये भी अच्छा बकरा दिख रहा है। कौन सी, किस में भाई ये? हैदराबादी में है, पंजाबी में है, काही में? कोटा क्रॉस है। पंजाबी कोटा क्रॉस है। पंजाबी कोटा क्रॉस है। वाइट आईज है ना इसकी? 65 किलो के करीब है। अच्छा, मैं 65 से ज़्यादा ही लग रहा है। दो दांत अभी किया है इसने। अच्छा, जस्ट किया दो दांत। दो दांत अभी किया है। 65 किलो आप बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से 70+ ही रहेगा वो। ठीक है। और हाइट कितनी है इसकी? हाइट 38 है सर। 38 है ना, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा। दो दांत में 38 हाइट किया है और 65+ बता रहे। बहुत अच्छा वेट गेन किया इसने, मतलब इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, आगे और हाइट लेगा ये। क्या मांग रहे हैं आप इसके? इसका 35। 35। प्राइस बहुत अच्छा है इब्राहिम भाई आपके पास। वाइट आइज नहीं है ना इसकी, नॉर्मल आइज है ना? 5 महीने का। 5 महीने का। क्या चकलान होगी इसकी और लंबाई? चकलान इसकी 5.25 होगी। अच्छा। और इसकी समझो 10-11 होगी काम। अच्छा, तो इसके क्या मांग रहे हैं आप? इसका 25,000 मांग। 25,000 रुपये। ये सेल का है? सेल का। ये तो काफ़ी क्वालिटी में नज़र आ रहा है। ये प्योर हैदराबादी है ना? पंच फेस भी है काफ़ी अच्छा इसका, वाइट आइज है। और जैसे इसकी चकला लंबाई कान की बहुत अच्छी है। कितनी होगी कुछ मालूम है आपको? ये 19 और 7। लंबाई 19 है इसके कान की और चकला जो है 7 है, जिसको चौड़ान भी बोलते हैं। अबलक कलर बोलेंगे इसको? अबलक। अबलक कलर है। इसका क्या मांग रहे आप? इसका 75। 75।
ब्रीडर के लिए बहुत अच्छा बकरा है ये, है ना? छह दांत पे, छह दांत पे उसको निकालते हैं। हाँ तो गाइस, आप लोग को अगर कोई बकरा पसंद आ रहा है तो स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा होगा आपको इब्राहिम भाई का, आप लोग कांटेक्ट करो। काफ़ी अच्छे अच्छे बकरे हैं और रीजनेबल प्राइस में, जैसे आप देख रहे हो बरबरा है यहाँ पर, ये दूसरा बरबरा है, फिर कोटा है, वो कोटा है, फिर यहाँ पे देसी बकरा है, फिर ये हैदराबादी है, और ये हैदराबादी कोटा बोलेंगे, कोटा और पंजाबी बोले, और अब ये दूसरा बकरा है, लास्ट है ना, ये भी हैदराबादी है ना। इसकी कान की लंबाई अच्छी लग रही है, कितनी होगी? 17। इसका क्या मांग रहे हो? इसका 35। तो एक बार आपका नंबर दे दो क्या आप, ऐसे तो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 9769 41 87 85 15। तो एक बार यहाँ का एड्रेस भी बता दो ना आपके, किधर आना है अगर गोरेगांव में अगर किसी को आना रहे देखने बकरे। रोमानिया होटल, रोमानिया होटल के बैक साइड में, बैक साइड गोरेगांव, गोरेगांव साजिद भाई का, ये लिंक रोड पे ही है ना? लिंक रोड पे ही है। स्कूल का नाम क्या है? वो क्या नाम था भाई स्कूल का? विपजियर स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है, उसके बिल्कुल सामने रोमानिया होटल है, और रोमानिया होटल के बैक साइड में किसी को भी पूछेगा भाई साजिद भाई के किधर है बकरे, इब्राहिम भाई के, तो कोई बात। आपने जितने भी बकरे बताए उसके जो प्राइस आपने कोट किए तो उसमें निगोशियबल होगा, कम होगा? बहुत कर दूंगा मैं, है ना? तो जो भाई को भी इंटरेस्टेड हो तो आप आके भी इधर लाइव देख सकते हो और आप प्राइस भी कम करा सकते हो, होगा थोड़ा बहुत कम, हो सामने से बोलो। सर को 7 बर्बर है, एक पंजाबी, थोड़ा माल मतलब 12-13 जानवर और आने वाले। तो ठीक है गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।